नमस्कार, मैं खुशबू चौहान श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से आपका डिजिटल लर्निंग क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा शीर्षक है प्रयोजनमूलक हिंदी और विषय है हिंदी साहित्य, जो कि किस किस कक्षा में उपयोग है ये आज हम बताते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर, बीए बीएड पंचम सेमेस्टर और एमए प्रथम सेमेस्टर के लिए उपयोगी है। पहले तो हम जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ जानते हैं। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य और मूलक का अर्थ होता है आधारित। जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो किसी उद्देश्य परक होनी चाहिए, किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। पहले तो हम जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा हमारे मन के भावों विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त साधन है और भाषा दो प्रकार की होती है, सौंदर्य परक और प्रयोजन परक। सौंदर्य परक भाषा वह होती है जिसको हम छंद अलंकार रस के जरिए उसको सुंदर तरीके से अपनी शैली को बनाते हैं। प्रयोजन परक यानी किसी उद्देश्य पर आधारित होनी। और प्रयोजन परक दो प्रकार की होती है, सामान्य प्रयोजन और विशेष प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन वह होता है, सामान्य प्रयोजन में को हमें किसी भी भाषा को या सामान्य प्रयोजन वाली भाषा को हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती, यह हम स्वतः ही अपने आप सीख जाते हैं। सामान्य प्रयोजन में हम जैसे किसी से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, किसी दुकानदार से बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं या अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, तो यह सामान्य प्रयोजन में आती है भाषा और इसे हमें इस शैली को सीखने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती। विशेष प्रयोजन होता है जब हमें उसको सीखने की विशेष आवश्यकता होती है और विशेष लोगों के सामने जब बोला जाता है, जैसे डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए उस डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए उन्हें डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, उस भाषा को सीखना पड़ता है, उनके शब्दों को सीखना पड़ता है। और लॉ वाला होता है जैसे, तो जिसको वकील कहते हैं तो वकीलात सीखने के लिए उसको लॉ कॉलेज में जाना पड़ता है और वकीलात के शब्दों के बारे में जानना होता है। और ऐसे ही इंजीनियर को तकनीकी भाषा, अपनी इंजीनियरिंग की भाषा को सीखने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होता है, उसके नए नए शब्दों को सीखना होता है और उसकी भाषा को सीखना होता है, तो वह विशेष प्रयोजन पर आधारित होती। अब हम जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ। किसी विशेष प्रयोजन को आधार बनाकर या विशेष प्रयोजन के लिए बोली जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अब हम इनकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण जी ने क्या कहा है इसके बारे में, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। अब दूसरे जो हमारे लेखक आए उनने लिखा है इसके बारे में, प्रयोजन मूलक के बारे में, डॉक्टर रघुवीर सहाय ने क्या बोलते हैं इसके बारे में, प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी की परिकल्पना यह मानकर चलती है कि वह एक ऐसी शब्दावली होगी जो ज्ञान के संप्रेषण में काम आएगी और इसीलिए बाकी शब्दावली से भिन्न होगी या उस पर आश्रित नहीं होगी। अब अगले हमारे क्या डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर दंगल झाल्टे, विभिन्न सेवा माध्यमों में विशिष्ट प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त भाषा स्वरूप को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। प्रोफेसर राजगोपालन कहते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। अब हम इनकी प्रयुक्तियों के बारे में जानेंगे या इनका वर्गीकरण, इनका रूप, किन किन क्षेत्रों में इनको बोला जाता है, समझा जाता है या इनका प्रयोग किया जाता है। पहले तो हम जानेंगे साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी क्या है, जिसमें गद्य पद्य आदि विधाओं का उपयोग होता है या आदि विधाएं होती हैं साहित्यिक क्षेत्र में, यहाँ भी हिंदी का उपयोग होता है बहुत ही सुंदर तरीके से। वाणिज्यिक क्षेत्र में व्यापार लेन देन के क्षेत्र में जहाँ शेयर बाजार आता है वहाँ पर इस हिंदी का उपयोग होता है। कार्यालयीन हिंदी, जहाँ पर ऑफिस में सरकारी काम में जो यूज़ होती है या उपयोग होती है उस भाषा को कार्यालयीन हिंदी, जहाँ सूचना भेजी जाती है वहाँ पर इस हिंदी का उपयोग होता है। राजभाषा, यह हमारे देश की राजभाषा है, इसका उपयोग होता है राजकीय कार्यों में। विज्ञापन एवं मीडिया हिंदी, आजकल हमारे यहाँ विज्ञापनों में भी और मीडिया में भी
हिंदी का उपयोग बहुतायत होने लगा है, इसका उपयोग भी हिंदी में ही होता है। विधि एवं कानूनी भाषा, आजकल हमारे यहाँ विधि यानी लॉ और कानूनी भाषा भी हिंदी में ही हो रही है, आजकल हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी, वैज्ञानिक और तकनीकी भाषाओं में भी इसका उपयोग हो रहा है, इस हिंदी का उपयोग हो रहा है, तकनीकी भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें रसायन शास्त्र आदि, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब आते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, अब इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली है प्रयोजनीयता। प्रयोजनीयता का अर्थ होता है यह किस किस जगह पर बोली जाती है या कहाँ उपयोग में लाती है। इसका शब्द भंडार इतना अधिक है कि इसको किसी भी क्षेत्र में लाना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम साहित्यिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग करते हैं, वाणिज्य में, कार्यालयीन में, राजभाषा में भी, विज्ञापन एवं मीडिया में भी, विधि एवं कानूनी भाषा में भी, और वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा में भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी प्रयोजनीयता बहुत आसान है। वैज्ञानिकता, इसके शब्दों का उच्चारण व प्रयोग तार्किक है, इसका बिना तर्क के इसका कोई उपयोग नहीं होता। सामाजिकता, यह समाज और व्यवहार के अनुसार ही अपने आप स्वतः ही डल जाती है, हमें मालूम है हमें जिस समाज में रहना है, जहाँ इसका उपयोग करना है, कैसे करना है। भाषिक विशेषता, हम भाषा की अपनी ही विशेषता होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्यिक, वाणिज्य, कार्यालयीन, राजभाषा आदि में सब जगह भाषा अलग अलग उपयोग होती है, वो अपनी ही विशेषता अपने आप में, अपने जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसकी विशेषता अपने आप ही स्वतः ही अलग होती है। अब हम जानेंगे इसकी सीमाएं, हम देखते हैं प्रयोजनमूलक की सीमाएं और समस्याएं। पहला पॉइंट है विज्ञान और तकनीकी के दुरूह शब्द। विज्ञान और तकनीकी दोनों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह दुरूह यानी बहुत ही कठिन है। दुरूह यानी जब उनका उच्चारण किया जाता है तो वह कठिन है, और कठिनाई के साथ उपयोग किए जाते हैं तो आसानी से याद नहीं होते। अनुवाद के कारण क्लिष्टता, जब अनुवाद के कारण क्लिष्टता आती है, जब हम हिंदी में होते हैं शब्द उनको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो फिर उसमें क्लिष्टता आ जाती है, उसमें भावों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, जब नई नई परिभाषाएं, नई नई शब्दों का हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है तो उनका उच्चारण बढ़ रहा है, जब हम उनका उच्चारण, जब उनका उपयोग रोजाना रोजमर्रा में नहीं होता तो वो कठिन लगने लगते हैं। धन्यवाद।